धमतरी के गुजराती कॉलोनी में हुई डॉक्टर प्रभा कर राव की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर का चचेरा भाई भाई ही निकला है, जिसने पैसों के लेनदेन की बात को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। एसपी बालाजी राव का कहना है कि विशाल ने डॉक्टर प्रभाकर राव को 12.5 लाख रुपए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए दिए थे, जिससे डॉक्टर प्रभाकर लौटा नहीं रहे थे और इसी बात को लेकर दोनों के बीच पिछले कई महीने से विवाद चल रहा था और 20 मई की रात को भी विशाल अपने पैसे वापस मांगने डॉक्टर प्रभाकर राव के घर पहुंचे। डॉक्टर ने गाली गलौज करते हुए आरोपी विशाल को घर से भगा दिया। बस फिर क्या था, विशाल ने डॉक्टर की हत्या करने की योजना बनाई और 22 मई की रात को कोरबा से धमतरी पहुंचकर हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी विशाल सुबह 5 बजे तक वहीं बैठा रहा। इसके बाद घर से लाखों रुपए की जेवरात और नगदी रकम को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जेवरात और नगदी रकम आरोपी के कब्जे से बरामद करते हुए हत्या का मामला दर्ज किया है।